हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बिना मारे हम चूहों को घर से कैसे बाहर कर सकते हैं। चूहे जो हैं वो बहुत ही परेशान करते हैं और हमारे घर की बहुत सी जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं उन्हें खराब कर देते हैं, खाने को नष्ट कर देते हैं। कई बार तो उनके मल मूत्र और गंदगी की वजह से इतनी बास आने लगती है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब दूसरा यह होता है कि हम यह सोचते हैं कि गणपति जी का वाहन है चूहा, तो इसे किस तरीके से घर से भगाया जाए कि हमें इसे मारना भी ना पड़े, क्योंकि हमारा मन भी नहीं मानता कि हम इसे मारें। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई तरकीब होना चाहिए कि जिससे हम बिना मारे ही इसे भगा सकें घर से, और ये दुम दबाकर घर से भाग जाए और हमारा नुकसान भी ना हो। तो इसके लिए हमें कुछ घरेलू उपयोग करने होते हैं, जैसे कि आप पेपरमेंट का स्प्रे बनाकर रख सकते हैं और उसको चूहे जहाँ जहाँ से निकलते हैं वहाँ वहाँ पर उन्हें स्प्रे कर दीजिए। इससे यह होगा कि उस पेपरमेंट की खुशबू जब एकदम आएगी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे एकदम वह भागने लगेंगे। पेपरमेंट दमदार उपाय होता है, इसलिए पेपरमेंट का उपयोग जरूर करके देखिए, क्योंकि यह इतना नुकसान करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम इनका क्या करें। कि जब ये कुतरने पर आते हैं तो सारी चीजों को इतनी बुरी तरह से कुतर देते हैं कि उसको ठीक करने का तरीका भी हमें समझ में नहीं आने लगता है। हमारे घर में ही ऐसे बहुत से उपयोग की चीजें होती हैं जिनसे हम इन्हें भगा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो कपूर ले सकते हैं। कपूर की टिकिया तो ऐसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां जहां से चूहे निकलते हैं, और हमें वहां वहां पर इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से यह जरूर भागेंगे, क्योंकि उनकी स्मेल जो होती है कपूर की, वह सहन नहीं कर पाते हैं और वह घर की तरफ, घर से एकदम बाहर की तरफ भागते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जहां घर का मुख्य द्वार हो वहां छोटी सी ऐसी जगह बनाकर रखिए कि जहां से ये फटाफट बाहर हो जाए और हम फिर उसके बाद उसे लगा दें, तो यह दोबारा इस तरफ कभी भी आने की कोशिश ही ना करें। फिनाइल की गोली बहुत ही दमदार होती है और इसकी खुशबू भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जब इसे हम अपने स्वेटरों को सहेजने के लिए उसमें रखते हैं ताकि उसके अंदर कोई कीड़े ना लग सके, उसकी स्मेल से वो कीड़े भग जाते हैं। तो इसी तरीके से यदि हम इसका चूरा करके और उसे पोटलिया बना बना कर कुछ कुछ दूरी पर घर में रख दें तो यह इसकी स्मेल से भी भाग जाते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिए कि वो ऐसी कोई भी चीज़ को मुंह में ना ले। इसलिए इनको ऐसे ही जगहों पे रखना है हमें जहाँ से चूहे जो हैं वो अक्सर आपके घरों में आते हैं। तो आप उन छेदों को सबसे पहले बंद करिए और उनके अंदर भी ये इस तरीके की चीज़ों को भर दीजिए ताकि वह दोबारा बाहर निकलने की कोशिश ही ना करें और अपना रास्ता दूसरी जगह बना लें। चूहों को भगाने के लिए लौंग भी बहुत कारगर होती है, जिससे हम चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। आप लौंग का स्प्रे बना सकते हैं, चाहे तो लौंग का तेल लाकर उसको भी स्प्रे कर सकते हैं जहाँ जहाँ से चूहे निकलते हैं, जैसे वॉश बेसिन के नीचे जालियाँ लगी होती हैं वहाँ से अक्सर निकलते हैं, या फिर कहीं हमारे घर के बाहर चैम्बर है वहाँ अक्सर आपने देखा होगा कि उन्हीं छेदों में से यह निकलते हैं। और जब इन्हें आजकल तो सीमेंटेड रोड हो गए हैं और चैम्बर्स जो है वह भी अंदर ही ऐसे पैक कर दिए जाते हैं और जालियाँ लगा दी जाती हैं, जिनमें से ये एक बार अंदर कहीं भी किसी के घर में यदि छेद करके प्रवेश कर जाते हैं तो ये अंदर ही अंदर पूरे घर को खोखला करते जाते हैं, पूरी आपकी जमीन में से, कि आप रातों को भी जब उठते हैं तो भी आपको आवाज़ आएगी कुटर कुटर की। और कई बार तो बड़े हों या बच्चे वह भी डर जाते हैं कि यह आवाज़ कैसे आ रही है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें इन्हें बिना दवाई दिए, कि ऐसे तो बाजार में बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं कि जिनका उपयोग करके हम इन्हें मार सकते हैं, लेकिन हम इन्हें यदि बिना मारे ही भगाना चाहें तो उसके लिए बहुत से घरेलू उपयोग हैं। इनमें से यदि आप कोई सा भी उपयोग करते हैं तो आप इजीली इन्हें भगा।
इन्हें भगाने के लिए आप लाल मिर्च का उपयोग भी कर सकते हैं। लाल मिर्च जो है वह आपको इसे छुटकारा दिलाएगी। लाल मिर्च का नाम सुनते ही सबको छींक आने लग जाती है, तो आप भी चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर जो है वह इनके बिलों के वहां पर डाल दीजिए, और नहीं तो जो लाल मिर्च आती हैं ताजी या हरी मिर्च, उनमें बीजे होते हैं, उन बीजों को निकाल कर उन्हें फैला दीजिए, और या तो किसी खाने की चीज में जैसे आटे की लोई में या सूखे आटे में मिलाकर आप इसे स्प्रेड कर दीजिए ऐसी जगहों पर, तो वह खाने की चीजों को देखकर चूहे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही वह उसे मुंह में लेंगे और उन्हें मिर्च लगेगी तो वह बाहर की ओर भाग खड़े होंगे। चूहों को भगाने के लिए प्याज भी बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि प्याज की गंध जो होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण होती है, जिसकी वजह से चूहे जो हैं वह इजीली भाग खड़े होते हैं। यदि आप चूहों को भगाना चाहते हैं तो प्याज को काट लीजिए, और काटकर इसको पीसकर छान लीजिए, इसका जो रस निकलेगा उसे फैला दीजिए। लेकिन आप चाहें तो इसके छोटे छोटे सर्कल्स में इनको काटकर या लंबे लंबे काटकर भी इसे फैला सकते हैं, लेकिन आप इसे एक दिन से ज़्यादा नहीं फैला सकते, क्योंकि इसकी गंध इतनी तीक्ष्ण होती है कि जिसको हम ही नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि इसमें स्मेल आने लग जाती है बहुत जल्दी। तो आपको अगले दिन जो है यह दोबारा करना पड़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप दो दिन तक इसे सिर्फ फैला कर रख सकते हैं, तो यह भी आप उपयोग कर सकते हैं। इन्हें भगाने के लिए आप पुदीने की पत्तियां भी ले सकते हैं, इनसे भी इनका काम तमाम हो जाता है। कि पुदीने की पत्तियां जो कि हमें खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, वहीं चूहों को इससे बहुत नफरत होती है। जहां पुदीने की पत्ती होगी वहां चूहे जो हैं वह दूर भागेंगे। आप चाहें तो एक पुदीने का पौधा लगा सकते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए पुदीने के, कि जहां पर से चूहे निकलकर बाहर आते हैं, फिर देखिए कि चूहे इनकी गंध को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे और बाहर की तरफ भाग खड़े होंगे। इन्हें भगाने के लिए तेज पान का पत्ता भी बहुत कारगर होता है। आप इसे जला दीजिए और फिर देखिए कि इसकी जो तीक्ष्ण खुशबू होती है इससे सारे चूहे जो हैं वो दूर भागेंगे, और वह अपने उल्टे चाल चल के वापस चले जाएंगे जहाँ से आए थे वहीं पर। तो आप इसे हर शाम को जला दीजिए तो यह अंदर आने की कोशिश ही नहीं करेंगे चूहे, तो आपका कोई नुकसान ही नहीं होगा। इन्हें भगाने के लिए आपके बहुत सारे आसान उपाय होते हैं, जैसे कि तंबाकू। तंबाकू को कई लोग जो है इसे भगाने के लिए भी उपयोग करते हैं। वैसे तो इसका उपयोग करना बहुत गलत होता है, लेकिन यदि हमें चूहों को भगाने के लिए इसका उपयोग करना है तो कोई गलत चीज़ नहीं है। आप इसे बेसन या आटे की गोली बनाकर उसमें मिक्स कर दीजिए, और यह उसके अंदर एक सार मिक्स हो जाएगी और वैसा ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इन गोलियों को जहाँ जहाँ से चूहे निकलते हैं उन उन जगह पर रख दीजिए। यह जैसे ही इसे खाएंगे तो खाते ही दम दबाकर उल्टे पैर भागने की कोशिश करेंगे, और यह जहाँ से आए थे वहीं तक दौड़ लगाएंगे और वहीं वापस चले जाएंगे और आपके घर में दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे। इन्हें भगाने के लिए आप चाहें तो ऐसा एक स्प्रे भी बना सकते हैं जिनसे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और घर के सारे चूहे घर के बाहर भाग जाएंगे। इसमें आप मिंट डाल लीजिए, जो आपकी पुदीना पत्ती है, साथ में लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा सा फिनाइल को पीसकर डाल लीजिए, थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए, और पानी डालकर इसे अच्छे से शेक कर लीजिए, और शेक करने के बाद ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सा स्प्रे बनकर रेडी हो जाएगा। इस स्प्रे को आप वहाँ वहाँ पर छिड़क दीजिए जहाँ जहाँ से चूहे निकलते हैं, फिर देखिए इस स्प्रे का कमाल।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे घर में चूहे हो जाते हैं तो हमें बहुत ही नुकसान होता है। यह कभी पलंग में घुस जाते हैं तो महंगी से महंगी हमारी रजाइयां, कपड़े, चादरें सबको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में क्या करें, हमें समझ नहीं आता। और खास तौर से जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वह सोए हैं या खेल रहे हैं तो उन्हें काट ना लें चूहे, क्योंकि यह नुकसान तो देते ही हैं इंसान को। इसलिए इनको ये घर में जितना दूर रहे घर से उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि चूहे जो है वह अपना मल मूत्र भी साथ में विसर्जित करते जाते हैं, जिसकी वजह से यह होता है कि उनके मल मूत्र की एक तो बदबू बहुत आती है, और यदि हम इसमें इनको मारने के लिए कोई दवाई यूज करते हैं कि जिससे इनको मार दिया जाए, तो हम जब इन्हें जब दवाई रखते हैं तो ये यहाँ वहाँ कहीं पर भी मर जाते हैं। और फिर मरने के बाद में जो सड़ान की बदबू आती है वह इतनी गंदी होती है कि हम जब सफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार तो वह इतने ओने कोनों में जाकर मरते हैं कि जहाँ पर हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। और इनके जब हम इन्हें साफ करने जाते हैं तो वहाँ उनके अंदर भी छोटे छोटे से कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक होते हैं। और यदि यही यह किसी हमारे खाने की चीज़ में अनाज जो हम स्टोर करके रखते हैं उसके अंदर यदि यह गलती से भी घुस जाए और उसके अंदर मर जाए तो हमारा कितना नुकसान होता है। हमें उस अन्न को भी फेंकना पड़ जाता है और साथ में इन चूहों को बाहर निकालने का कोई रास्ता भी नहीं सूझता है। और साथ में बाकी जो बची हुई चीज होती है वह भी बेकार हो जाती है, क्योंकि उसमें भी वो गंध फैल जाती है तो हम कि उस चीज को दोबारा उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब ठंड आती है तो हम हमारे महंगे से महंगे स्वेटर्स वगैरह निकाल के रखते हैं, और फिर इन गर्म कपड़ों को जब रखने की बारी आती है तो हमें यही चिंता सताती है कि दोबारा ऐसा ना हो कि यह चूहे फिर से इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे कोई। तो इसलिए हमें इनके लिए पहले से ही सुरक्षा बनाकर रखना चाहिए कि यह बिल्कुल भी हमारे घर में नुकसान ना पहुंचाए। चूहे भगाने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन हर तरीका कारगर होगा यह तो संभव नहीं है। इसलिए यदि हम इस तरीके के अलग अलग उपयोगों को यदि करें और इस तरीके की हर चीजों को अप्लाई करके देखें तो शायद कोई तो ऐसी चीज निकल कर आएगी ही सही कि जिसकी वजह से चूहे जो है वह भाग जाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसी स्ट्रॉन्ग चीजों से जब मनुष्य को ही दिक्कत होने लगती है इस गंध से, तो ऐसी गंध वाली चीजें जो है चूहे जो है उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। एक स्टडी में ऐसा कहा गया है कि चूहे जो है वह फिनाइल की गोली या कोई भी स्ट्रॉन्ग गंध वाली चीजों से दूर भागते हैं। तो क्या हम भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऐसी छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करके हम इन्हें तुरंत घर के बाहर भगा सकते हैं? वैसे तो चूहे भगाने का एक मंत्र भी होता है। मटके के चार टुकड़े लेकर काजल से उनके ऊपर चूहे भगाने का चमत्कारी मंत्र लिख लीजिए। जैसे मंत्र है ओम क्राम क्राम क्रोम क्राम। यह मंत्र मटके के टुकड़ों पर लिखने के बाद चारों टुकड़ों को घर के चारों कोने में रख दे या फिर गाड़ दे तो इससे भी चूहे भाग जाते हैं। यदि हम इस तरीके से बिना इन्हें मारे यदि इनका इलाज कर दें तो क्या बुराई है? क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जब ये खेतों में पहुंच जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी फसलें जो लहलहा रही होती हैं वहां पर यह चूहे जो हैं पूरी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कृंतकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चूहे जाल सबसे आधुनिक और प्रभावशाली जाल माने जाते हैं। ये जाल कृंतकों को भोजन के साथ आकर्षित करते हैं और उन्हें अंदर एक धातु की प्लेट पर फंसा लेते हैं जो उन्हें तुरंत बिजली से मार देती है। लेकिन हम उन्हें बिना मारे ही ऐसे बहुत से उपयोग करना चाहते हैं कि जिनसे हमें इन्हें मारना भी ना पड़े और फटाफट हो सके। आप चाहें तो आप इनके लिए केले का भी उपयोग कर सकते हैं। केले में एक खास खुशबू पाई जाती है जो
एन-पेंटाइल एसीटेट नामक कंपाउंड के नाम से होती है। इसी कंपाउंड के कारण चूहे में तनाव पैदा होता है और वह केले से दूर भागने लगता है। इसी प्रकार से एक चूहे की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन गंध और स्पर्श स्वाद जो है वह उत्कृष्ट समझा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि फिनाइल की गोली में एक तेज गंध आती है, इससे भी चूहे भाग जाते हैं और फिनाइल की गोलियों को कपड़ों में रखते हैं, तो इसलिए उस जगह पर चूहे जो है वो कभी भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए हमें इस तरीके की चीज़ों को उपयोग करना चाहिए। चूहों का सबसे बड़ा दुश्मन होती है फिटकरी। यदि फिटकरी चूहों के पास रख दी जाए, इसका टेस्ट उन्हें जरा भी पसंद नहीं होता है। यदि आप फिटकरी पाउडर को घोलकर बनाकर और जहाँ से चूहे निकलते हैं उनके ठिकानों पर यदि छिड़काव करते हैं, तो उस जगह को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। आप भी इस तरीके के उपयोग करके देखिए और फिर देखिए कि चूहों से आप किस तरीके से बच सकते हैं। ये ऐसे बहुत से उपयोग हैं, जैसे कि काली मिर्च। काली मिर्च में भी बहुत तीक्ष्ण स्वाद होता है और तीक्ष्ण गंध होती है। देखा है हम भी कभी यदि काली मिर्च को सेक कर पीसते हैं तो कैसी हमें चीखें चालू हो जाती हैं, जो कि चूहों को तो गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनके सामने यदि इस तरीके का स्प्रे कर दिया जाए तो वह इसकी खुशबू से एकदम भाग खड़े होंगे और दोबारा कभी इस तरफ आने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप भी इस तरीके के उपयोगों को करिए और बिना मारे ही चूहों को घर से भगाइए। आप कौन से उपयोग करते हैं मुझे भी कमेंट करके बताइए कि जिनसे आप चूहों को घर के बाहर भगाने में सक्षम हो पाते हैं और सफल रहते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।